टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संगठन की मांग को लेकर चल रहे प्रदेश स्तर के आंदोलन के क्रम में मुख्य अभियंता कार्यालय आजमगढ़ पर क्षेत्र के सभी सदस्यों द्वारा लगातार 48 घंटे का उपवास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ, बलिया के सभी अवर अभियंताओं और प्रोन्नत अभियंताओं ने प्रतिभाग किया। संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव ने कहा कि अगर प्रबंधन या द्वारा संगठन की 1800 न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन अपने आंदोलन को तेज करते हुए शक्ति भवन मुख्यालय पर क्रमिक अनशन व कार्य बहिष्कार करने को विवश होगा। आज के इस उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधेश कुमार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व संचालन संजय मणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में संजीव भास्कर, पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव उपस्थित होकर आंदोलन की हुंकार भरी। अपना परिचय बता दें। मैं संजीव कुमार भास्कर इस आजमगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ मैं उपस्थित हूँ। धरना चल रहा है, क्या मांगे? ये हमारे राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर के जो है प्रबंधन से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु जो है बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदुओं पर सहमति भी दी, लेकिन इसे लागू करने में हिलाहवाली कर रहे हैं। और शासन के मंशा के अनुरूप 24 घंटा हम लोग बिजली देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में हमारे पास साधन की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम उसको फॉलोअप करें, लेकिन अभाव में हम उस चीज़ को फॉलोअप पूरा करने के पक्ष में नहीं है। संसाधन की कमी के कारण हम उसको संयुक्त नहीं दे पाते हैं। हमारी प्रमुख मांगें हैं कि जो हमारी ग्रेड वेतन है, जो सातवें वेतन के अंतर्गत हमारी जो ACP के अंतर्गत एक नॉन फंक्शनल ग्रेड पे है 4800, उसे तत्काल समाप्त किया जाए। और हम लोग के जो 4600 जो वेतन निर्धारित किया गया था वित्तीय मांग के अंतर्गत 1/1/2006 से उसको लागू किया जाए, जबकि हमारा सातवां वेतन जो है 1/1/6 से लागू हुआ है, तो इसे 20 से लागू किया जाना नीचे से न्यायसंगत नहीं है। तमाम सहमतियाँ भी बनी हमारे कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा, और प्रबंधन ने कहा कि हाँ आपकी मांगें न्यायचित हैं, लेकिन न्यायचित होने के बाद इसको धरातल पर अमली जमा नहीं पाया जा रहा है। इसे बहुत कष्ट का खेद है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र के आह्वान पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। कहीं भी किसी भी कर्मचारियों का शोषण होगा तो हम उस कार्यक्रम को और भी गतिशील बनाने के प्रयास करेंगे। आगे की रणनीति केंद्र द्वारा इस 48 घंटे उपवास कार्यक्रम के बाद एक गहन बैठक होगी, और आगे की अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समस्त UP के लोग मुख्यालय कॉरपोरेशन मुख्यालय पर जा करके वहाँ अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू करेंगे।